देखो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोबारा से देख लो लास्ट एलोफोम रिएक्शन। एलोफोम रिएक्शन के अंदर क्या था अपने पास कि यहां पे अपन CH3 सी डबल बॉन्ड ओ जेड और CH3 CHOH जेड, इस तरीके का कंपाउंड लेंगे। जेड इक्वल टू हो सकता है अपना हाइड्रोजन एराइल ग्रुप और अल्काइल एल्काइल ग्रुप। ग्रुप इसकी रिएक्शन कराएंगे बेटा हम किसके साथ, NaOH, स्ट्रोंग बेस लेंगे NaOH और KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो इस स्ट्रोंग बेस की प्रेजेंस में देखो क्या होगा इसके अंदर, बताओ क्या रिएक्शन होगी कि और किसके साथ, हेलोफॉर्म मतलब हेलोफॉर्म के लिए फ्लोरीन को छोड़ के या क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, क्या लेंगे बेटा हम यहाँ पे, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन 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 प्लस X2। अब X2 अपना हो सकता है Cl2 Br2 और I2। तो इनकी प्रेजेंस में अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगा CHX3 प्लस जेड सी डबल बॉन्ड ओ ओ नेगेटिव एन ए पॉजिटिव, ये सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज सोडियम सोल्ट ऑफ एसिड और ये CHX3 है बेटा। CHX3 को क्या बोलेंगे हम, हेलोफोम। ये है अपनी जनरल हेलोफोम रिएक्शन। कोई डाउट है बेटा इसमें किसी को? अब नो सर। देखो ये जो हेलोफोम रिएक्शन है बेटा इसके अंदर अपने को मेन इसका मैकेनिज्म डिस्कस, मैकेनिज्म कि किस तरीके से इसमें रिएक्शन होती है। तो इसमें फर्स्ट जो अपनी कंडीशन है एलोफॉर्म रिएक्शन के अंदर, अपनी कंडीशन ये होगी कि इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन होने जरूरी है। तीन एलोफॉर्म रिएक्शन के अंदर कितने अल्फा हाइड्रोजन होने जरूरी है बेटा? तीन 3 अल्फा हाइड्रोजन। और अगर 3 अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो तो इसके अंदर बताओ एक खास बात कि अगर मान लो एक क्लोरीन लगा के दे दें उसमें, ऑलरेडी एक क्लोरीन दे दें और एक अल्फा, यहाँ पे जो X है Cl2 Br2 और I2, अगर जैसे Cl3 है यहाँ पे तो उसको बोलेंगे हम क्लोरोफॉर्म, Br2 है तो उसको क्या बोलेंगे हम ब्रोमोफॉर्म, और I2 है तो क्या बोलेंगे बेटा उसको हम आइडोफॉर्म। तो ये जो अपने पास होता है CH3 CHCl3 ये क्लोरोफॉर्म, और क्लोरोफॉर्म इज क्लोरोफॉर्म ये गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। CHBr3 ब्रोमोफोम, ये ब्रोमोफोम लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है बेटा। उसके बाद CHI3 आइडोफोम, दिस आइडोफोम एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, और ये आइडोफोम के लिए एक और खास बात याद रखनी है आपको, दिस आइडोफोम इज यूज एज अ एंटीसेप्टिक, ये एंटीसेप्टिक की फॉर्म में काम में लिया जाता है। एंड दिस इज अ येलो सॉलिड, येलो कलर का सॉलिड पाउडर होता है ये। अब उसके बाद जो ब्रोमोफोम है CHBr3 और ये क्लोरोफोम है CHCl3 गैस, तो इनके अंदर देखो बेटा ये जो क्लोरोफोम है दिस इज यूज इन एनेस्थेसिया, बेहोश करने के लिए भी काम में लिया जाता है क्लोरोफॉर्म। अब देखो इसका मैकेनिज्म क्या है, फ्लोरीन के साथ रिएक्शन एक्सप्लोजिव होती है इसलिए अवॉइड करते हैं हम उसमें। तो इसमें अपन ने ये जैसे CH3 ले लिया CH2H, एल्कोहल में एक हेलोजन का मॉलिक्यूल ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा क्योंकि वो एक हेलोजन कंज्यूम ऑक्सीडेशन कराने में काम आ जाएगा उसका। अब देखो जो हम बेस ले रहे हैं OH-, तो OH- की प्रेजेंस में यहाँ से ये एक अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करते हैं बेटा ये क्या बन जाएगा -H2O। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये अपने पास बन गया न्यूक्लियोफाइल CH2 नेगेटिव
सी डबल बॉन्ड हो जेड। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में एक एक्स टू के मॉलिक्यूल के अंदर हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होगी, ये दोनों शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएंगे तो इस पे नेगेटिव और एक्स के ऊपर पॉजिटिव, जो पॉजिटिव है बेटा ये इस नेगेटिव के ऊपर अटैक कर देगा। तो जब ये इस नेगेटिव पे अटैक करेगा तो अपने पास बन जाएगा माइनस एक्स नेगेटिव, ये एक्स नेगेटिव एन ए प्लस के साथ जुड़ के एन ए सी एल की फॉर्म में बाहर हो जाएगा और ये बन जाएगा अपने पास एक्स सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ जेड। अब देखो इसमें इसी तरीके से बेटा दो और मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन होगी, दो बेस के मॉलिक्यूल के कंज्यूम होंगे, दो बेस के मॉलिक्यूल कंज्यूम होंगे तो माइनस टू एच टू हो जाएंगे और उसी स्टेप में दो और हैलोजन के बीच में हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होगी तो ये फाइनली अपने पास बन जाएगा सी एक्स थ्री सी डबल बॉन्ड ओ जेड। अब देखो बेटा इसमें जो सी एक्स थ्री ग्रुप है इसके अंदर तीन हैलोजन ग्रुप्स हैं, ये तीन हैलोजन ग्रुप्स अपना लगाएंगे स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट, यहाँ पे इनका लगेगा यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट, इस ग्रुप का स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट लगेगा। तो एक इसमें ये जो डबल बॉन्ड ग्रुप है ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो इस पर नेगेटिव जाएगा, इस पर पॉजिटिव, तो यहाँ पर पॉजिटिव का कंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा माइनस आई इफेक्ट की वजह से और ज़्यादा इंक्रीज होगा। तो माइनस आई इफेक्ट की वजह से जब पॉजिटिव का कंटेंट इसके ऊपर इंक्रीज होगा तो अब एक और बेस का मॉलिक्यूल आएगा और उसकी इसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो जाएगी, तो इसके ऊपर जब न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगी तो ये बन जाएगा अपने पास सी एक्स थ्री सी ओ एच जेड ओ नेगेटिव। अब देखो बेटा इसमें जब हेट्रोलाइटिक क्लीवेज हो यहाँ पे, इसके माइनस आई इफेक्ट की वजह से हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होगी तो इस पर माइनस आएगा, सी पे पॉजिटिव आएगा और वो पॉजिटिव नेगेटिव कंजुगेशन में है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा अपना, तो वी विल गेट सी एक्स थ्री नेगेटिव प्लस जेड सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच और ये एक्स थ्री नेगेटिव के साथ यहाँ पे एन ए प्लस एसोसिएटेड रह जाएगा तो इसके अंदर दोनों में क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे ओ एच माइनस आयंस एक्सचेंज हो जाएंगे, ये एसिडिक है और एन ए बेसिक है तो ये एक्सचेंज होंगे तो अपने पास अपना प्रोडक्ट्स बनेंगे सी एच एक्स थ्री एलो फोम प्लस दिस एसिड डेरिवेटिव जेड दिस सोडियम सोल्ट ऑफ एसिड जेड सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव एन ए पॉजिटिव। तो ये रिएक्शन है बेटा अपने पास, इसको हम बोलते हैं आइडोफोम रिएक्शन या एलो फोम रिएक्शन। तो ये डिफरेंट कंपाउंड्स के अंदर डिस्टिंग्विश करने के लिए भी काम में ली जाती है कि उसमें पूछा जाएगा कि इन दोनों कंपाउंड्स में कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, तो अपन कह सकते हैं कि भाई आइडोफोम टेस्ट। देखो फॉर एग्जांपल बेटा इस मैकेनिज्म में कोई डाउट है किसी को? No, sir. देखो अब इसके एग्जांपल्स बेटा कैसे किन किन को हम डिस्टिंग्विश करेंगे बाय आइडोफोम रिएक्शन। देखो आइडोफोम में येलो प्रेसिपिटेट बन जाएगा, जैसे सबसे सिंपल से शुरुआत करते हैं अपन। देखो एक तो एच सी एच ओ है तो एच सी एच ओ में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है बेटा, एच सी एच ओ और सी एच थ्री सी एच ओ, बताओ इसमें कौन सा एलोफोम टेस्ट देगा? दूसरा वाला। कौन सा देगा? दूसरा वाला देगा। दूसरा वाला देखो ये देगा वो नहीं देगा आइडोफोम टेस्ट, इसमें ये देगा, एक तो ये कंपाउंड है एक ये है बेटा पेंटेन थ्री ओन और ये इधर मान लेते हैं हम पेंटेन टू ओन। देखो पेंटेन टू ओन और थ्री ओन में ये देगा और ये वाला नहीं देगा, समझ गए? Yes, sir. बोलो बेटा। Yes, sir. देखो ये प्रोपेनोन है देखो इसमें ये प्रोपेनोन देगा
पेंटेन थ्री ओन नहीं देगा, सी सिक्स एच फाइव, ये एसिटोफिनोन है, एक तो एसिटोफिनोन है और दूसरा बेंजोफिनोन है आपके पास, सी सिक्स एच फाइव, सी डबल बॉन्ड हो सी सिक्स एच फाइव। बताओ एसिटोफिनोन और बेंजोफिनोन में कौन देगा बेटा? एसिटोफिनोन देगा, एसिटोफिनोन देगा, बेंजोफिनोन नहीं देगा, उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है ना? यस सर। उसके बाद नेक्स्ट इज एक ये कंपाउंड ले लें अपन, प्लस देखो इन दोनों में कंपेयर करना होता बेटा, ये वाला देगा यस सर और ये वाला नहीं देगा, नहीं देगा, समझ गया बेटा? आइडोफोन टेस्ट कौन देगा नहीं देगा? यस सर, यस सर। उसके बाद ऐसे कह सकते हैं कि कोई जैसे डाई हैलाइड बना दी तुमने मान लो ऑलरेडी, तो वो एलोफोम टेस्ट देगा या नहीं देगा? देखो एक तो ऐसे ले लिया हमने आर सी सी एल, सी सी एल सी एस थ्री, एक तो ये कंपाउंड है बेटा और दूसरा ये कंपाउंड है तुम्हारे पास आर आर सी एच सी एल। देखो ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी सा है बेटा, बताओ इसमें कौन सा आइडोफोम टेस्ट देगा, या मतलब ऐसे पूछ लिया जाए इन दोनों कंपाउंड्स में कैसे डिस्टिंग्विश करोगे? तो देखो जनरल कंसेप्ट तो ये बोलोगे कि ए जी एन ओ थ्री के साथ रिएक्शन करा के, अब ए जी एन ओ थ्री के साथ तो दोनों वही बनाएंगे ना बेटा? यस सर। बोलो यस सर। तो देखो इसके अंदर इसके केस में क्या होगा कि यहाँ से जब सी एल सी एल की जगह दोनों जगह पे ओ एच ओ एच लगेंगे नहीं लगेंगे? देखो आइडोफोम टेस्ट बेटा हम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में करवा रहे हैं ना? यस। तो आइडोफोम टेस्ट इन इन दोनों में ये दोनों ही देंगे आइडोफोम टेस्ट। देखो कैसे देंगे, क्योंकि आइड्रोफोम टेस्ट करवाने के लिए हम बेस ले रहे हैं। यस सर। देखो तो बेस ले रहे हैं तो बेस की प्रेजेंस में इसका भी हाइड्रोलाइसिस होगा और इसका भी हाइड्रोलाइसिस होगा। तो देखो बेटा इसका हाइड्रोलाइसिस होगा तो अपने पास बन जाएगा आर सी एच ओ एच सी एच थ्री, ये बनेगा नहीं बनेगा? यस सर। और इसका जब हमने हाइड्रोलाइसिस बेस लेंगे तो बेस के साथ इसमें एक कार्बन पे दो एच ग्रुप लगेंगे और एक कार्बन पे दो एच तो माइनस क्या हो जाता है? एच टू एच टू ओ। तो ये कंपाउंड बन जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री। यस सर। तो देखो इसमें ये भी देगा और ये भी देगा। देखो दोनों साइड में अल्फा हाइड्रोजन है ना, नहीं है इसमें तीन तीन अल्फा हाइड्रोजन तो ऐसा कंपाउंड बना के दे दे तो ये बेटा कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दिया जा सकता है। तो ये देगा या नहीं देगा टेस्ट? देगा। और मतलब कहीं भी जैसे दो कीटोन ग्रुप हो, दो कीटो ग्रुप के बीच में मिथाइलिन ग्रुप लगा हुआ हो तो वो मिथाइलिन ग्रुप एक्टिव होता है बेटा, तो वो आइडोफोम टेस्ट देता है। ठीक है? Yes, sir. देखो किस तरीके से ये एग्जांपल अल्कोहल्स में भी हमने शायद डिस्कस किया होगा, ये साइक्लोपेंटेनोन है, ये बना दे, ये मान लो यहाँ पे सी एच टू है। ठीक है बेटा, अब ये जो सी एच टू ग्रुप है इस सी एच टू के बगल में यहाँ पे दो कीटो ग्रुप लगा दे तो इन दो कीटो ग्रुप के स्ट्रोंग माइनस आई इफेक्ट की वजह से ये जो सी एच टू ग्रुप है ये सी एच टू ग्रुप बाहर हो सकता है यहाँ से। तो देखो इसके इसकी हम रिएक्शन कराएंगे इसमें ये, इसको बोलेंगे हम एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। तो ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, ये आइडोफोम टेस्ट देगा बेटा। ठीक है? यस यस सर। देखो इस तरीके से और कंपाउंड ले आर आर सी डबल बॉन्ड हो सी एच टू आर, तो बताओ ये भी देगा या नहीं देगा? देगा सर। दो कीटो ग्रुप के बीच में है ना एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, तो ये भी देगा बेटा। तो इस तरीके से अपन डिस्टिंग्विश करेंगे, दिस इज ऑल अबाउट आइडोफोम टेस्ट रिएक्शन। यस सर। देखो रिएक्शन विद हैलोजन, ये ऊपर वाली थी इन द प्रेजेंस ऑफ बेस,
रिएक्शन विद हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, देखो एसिड की प्रेजेंस में हेलोजनेशन रिएक्शन बेटा। तो इसके अंदर जैसे अपने पास कोई भी एल्डिहाइड है, अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड लेना है, या कीटोन कुछ भी हो सकता है, ये जैसे सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड हो, अल्फा हाइड्रोजन होने जरूरी है इसमें, अल्फा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट। अब देखो इसकी रिएक्शन करा दें हम सी एल टू के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, तो वन मोल सी एल टू के साथ कराएंगे रिएक्शन, तो ये बन जाएगा बेटा इसमें सी एच टू सी एल सी डबल बॉन्ड हो सी एच थ्री, इस तरीके से हैलोजिनेशन हो जाएगा इसमें। तो इसके अंदर हैलोजिनेशन अकर्स एट अल्फा कार्बन, हैलोजिनेशन अकर्स एट अल्फा, अल्फा कार्बन के ऊपर हैलोजिनेशन हो जाएगा। अब देखो बेटा यशराज, क्या यशराज सर, यशराज को अंदर ले लो सर, वो बोल रहा है। अब देखो इसकी खास बात क्या है बेटा, देखो इसकी हम अगर KCN के साथ रिएक्शन कराएं पोटेशियम साइनाइड के साथ, तो देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी या नहीं होगी? यस सर। CH2CN सी डबल बॉन्ड ओ CH3, देखो बेटा इस रिएक्शन का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं हम, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, तो क्या बन जाएगा इसमें, देखो CH2 COOH C डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री, देखो बीटा कीटो एसिड बन गया, नहीं बना? यस सर। अब कौन बताएगा बीटा कीटो एसिड की कुछ खास बात? सर हीटिंग से ही इनका हीटिंग से ही दे कैन बी जस्ट डीकार्बोक्सिलेटेड ऑन हीटिंग, यस सर दे कैन बी इजीली डीकार्बोक्सिलेट बाय हीटिंग, इजीली डीकार्बोक्सिलेटेड ऑन हीटिंग, इनको गर्म कराने के ऊपर वापस से डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा इनके अंदर, यस और नो? यस। उसके बाद नेक्स्ट फॉर एग्जांपल CH3 या CH2, एक एच को बाहर शो करो इसमें, CH2 सी डबल बॉन्ड OH, देखो बेटा इसकी रिएक्शन कराएंगे हम, तो इसकी रिएक्शन हैलोजन के साथ कराएंगे Cl2 के साथ, तो माइनस HCl हो जाएगा और इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, तो इट फॉर्म्स CH2 CL COOH, ये कंट्रोल्ड हैलोजनेशन, इसके अंदर केवल वन पोजीशन के ऊपर हैलोजनेशन होगा, और अगर एक्सेस में हैलोजन लिया है तो एक्सेस में हैलोजन लिया है तो डाई और ट्राई हैलोजन्स में भी फॉर्म्ड। इफ एक्सेस ऑफ हैलोजन इज यूज्ड then di or tri then di or tri halogen may be formed, di or tri halogen भी बन सकते। इसके अंदर ये जो है NaOH plus Cl2, तो इससे मिलके बना, ये जब मिलके ऑक्सीडाइज करते हैं तो NaOCl बनता है, Na पॉजिटिव, इसको बोलते हैं हम सोडियम ऑक्सीक्लोराइड, ये सोडियम हाइपोक्लोराइट भी बोल सकते हैं इसको, सोडियम हाइपोक्लोराइट, समझ गए? Yes, sir. अभी वो आ रहा है ना कोरोना वायरस के लिए, जैसे कॉलोनी और इनको सैनिटाइज करने के लिए दिया जाता है ये, यस सर उसमें यही होता है, सुना होगा ना नाम इसका सोडियम हाइपोक्लोराइट का, तो वो यही होता है इसका डाइल्यूट, अब वो कंपनियां क्या करती है, जैसे ये सोल्ट होता है तो इस सोल्ट की डाइल्यूट सॉल्यूशन बना बना के भेज देती है, 10% भेज देंगी, बहुत महंगा इसमें, तो सोल्ट को लाके प्रिपेयर कर लेते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइट, और ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो सैनिटाइजेशन में ये क्या करता है,
जैसे बैक्टीरिया वायरस जो भी होंगे उनको ऑक्सीडाइज करवा देता है, किल कर देता है उनको, समझ गए? ये सोडियम, तो ये रिएक्शन। उसके बाद नेक्स्ट इज मिसलेनियस रिएक्शंस। देखो बेटा मिसलेनियस रिएक्शंस के अंदर फर्स्ट इज रिएक्शन विद सिप्स बेस और सिप्स रिएजेंट, सिप्स रिएजेंट के साथ ओनली दिस इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। This is used to distinguish between aldehydes and ketones. Aldehydes देंगे ये test और ketones नहीं देंगे बेटा। और इसके लिए हमने एक टोलन्स रिएजेंट भी यूज किया था ना डिस्टिंग्विश करने के लिए। अब जो सिप्स रिएजेंट होता है, सिप्स रिएजेंट इज पैरा रोसा एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड, दिस इज पैरा रोसा एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड मैग्नेटाडाई, तो ये जो सिप्स रिएजेंट है बेटा अपने पास पैरा रोसा एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड, ये मैग्नेटेड आई, दिस इज पिंक इन कलर, ये पिंक कलर का होता है, तो इसके पिंक कलर को हम डी कलराइज करते हैं, दिस इज डी कलराइज। बाय पासिंग SO2, सल्फर डाइऑक्साइड गैस को पास करके डी कलराइज करवाया जाता है बेटा इसको। तो इसमें क्या होता है, जैसे अपने पास एल्डिहाइड है कोई भी RCHO, तो RCHO एल्डिहाइड के अंदर सिप्स रिएजेंट डालेंगे हम, तो सिप्स रिएजेंट अपना कलरलेस हो जाएगा। किसकी वजह से कलरलेस है ये? ड्यू टू SO2 गैस, SO2 गैस की वजह से कलरलेस हो गया, तो एल्डिहाइड्स उसके पिंक कलर को रिस्टोर करेंगे। पिंक कलर, उसके पिंक कलर को रीस्टोर करेंगे बेटा। तो ये एल्डिहाइड्स ये टेस्ट देंगे और कीटोन्स ये टेस्ट नहीं देंगे बेटा, ये रिएक्शन विद सिप्स रिएजेंट। सेकंड रिएक्शन इज बैकमान रीअरेंजमेंट। देखो बेटा बैकमान रीअरेंजमेंट के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो कीटोक्सिन्स होती हैं, कीटोक्सिन्स को एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रीअरेंजमेंट होके और उनसे सब्स्टिट्यूटेड अमाइड बन जाता है। कीटोक्सिन्स इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक H2SO4, H3PO4, PCl5, SOCl2 etc. इनकी प्रेजेंस में दे रीअरेंजेस टू फॉर्म सब्स्टिट्यूटेड अमाइड्स। वो रीअरेंज होके क्या बना लेंगे बेटा, सब्स्टिट्यूटेड अमाइड्स बना लेंगे। देखो किस तरीके, जैसे ये है अपने पास R C डबल बॉन्ड ओ R, ये कीटोन है,
तो ऑक्साइम्स कीटोक्सिम्स कैसे बढ़ेंगी, पहले उसकी हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन कराएंगे। हाइड्रोक्सिल अमीन इज NH2OH। अब देखो NH2OH के साथ पहले तो कंडेंसेशन रिएक्शन होगी, यहाँ से माइनस एच टू हो जाएगा बेटा। तो माइनस एच टू होने के बाद अपने पास जो ऑक्साइम बनेगी, ऑक्साइम विल बी आर आर सी डबल बोन NOH। सर क्लास ले रहा हूँ मैं अभी, करता हूँ थोड़ी देर में, 10 मिनट में करता हूँ फ़ोन आपको, क्लास ले रहा हूँ मैं। आर सी डबल बॉन्ड एन ओ एच, इसको बोलेंगे हम कीटोक्सिम। अब देखो बेटा ये जो कीटोक्सिम है ये एसिड की प्रेजेंस में रीअरेंजमेंट होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ एच प्लस, एच टू एस ओ फोर, एस ओ सी एल टू या जो भी लेंगे उनकी प्रेजेंस में रीअरेंजमेंट होके और ये बन जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच आर। ये सब्स्टिट्यूटेड अमाइड है, ये दिस इज सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये यहाँ पे सी एस थ्री है बेटा, सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड हो सी एस थ्री कीटोन एसीटोन प्लस हाइड्रोक्सिल अमीन इट फॉर्म सी एस थ्री डबल बॉन्ड एन ओ एच। अब इस कीटोक्सिम के अंदर एसिड की प्रेजेंस में एच टू एस ओ फोर एसिड ले लेंगे, कोई भी अबोव कैटलिस्ट ले लेंगे एंड इट फॉर्म सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एन एच सी एस थ्री। इसको बोलेंगे हम बैकमान रीअरेंजमेंट, इसमें बैकमान रीअरेंजमेंट होगा टू फॉर्म द सब्स्टिट्यूटेड अमाइड्स। कि यहां पे जैसे अपन ने कोई भी ये कैटलिस्ट लिया है आर, इसका मैकेनिज्म देखो बेटा ये अमाइड हो गया इसमें आर। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर कोई भी आर ग्रुप अलग हो, जैसे वो कौन सा आर डैश ग्रुप माइग्रेट करेगा, तो ये मान लो आर सी डबल बॉन्ड हो सी डबल बॉन्ड एन ओ एच, ये ऑक्साइम है। तो एक ग्रुप को आर मान लो, एक को क्या मान लो आर डेस, ठीक है बेटा। अब देखो एच प्लस तुम कैटलिस्ट ले रहे हो ना, बोलो यस सर। तो ये जो एच प्लस कैटलिस्ट लिया है, देखो यहां पे लोन पेयर प्रेजेंट है ये, अब इस लोन पेयर को ये प्रोटोनेट कर देगा, इसको लोन पेयर को, तो इसको प्रोटोनेट करने के बाद ये बन जाएगा आर सी आर डैश डबल बॉन्ड एन ओ एच टू पॉजिटिव। अब इस ओ एच टू पॉजिटिव को क्या बोलेंगे हम, पॉजिटिव ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, पॉजिटिव ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, एंड पॉजिटिव ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मेक्स इट अनस्टेबल। तो ये इसको अनस्टेबल बनाएगा, तो यहाँ से ओ एच टू वाटर की फॉर्म में डिपार्ट हो जाएगा बेटा। यस सर। जब ये वाटर की फॉर्म में डिपार्ट होगा तो क्या होगा इसमें, अब देखो ये H2O की फॉर्म में दोनों शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लेके अलग होगा, तो N के ऊपर कौन सा चार्ज छोड़ के जाएगा बेटा, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव N के ऊपर पॉजिटिव। तो यहां से मान लो इस R ग्रुप को तुमने N के ऊपर सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो इस R को जब N के ऊपर सब्स्टिट्यूट करोगे यहां से R माइनस जाएगा, ये R माइनस की फॉर्म में जब N पे पॉजिटिव है तो। यस सर। तो C के ऊपर R माइनस की फॉर्म में गया, तो C के ऊपर कौन सा चार्ज छोड़ के गया, ये पॉजिटिव पॉजिटिव, और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड N R डैश R डैश, यस और नो, यस सर। अब वो जो वाटर बाहर निकला था बेटा, उसी वाटर की इसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगी, इसके ऊपर ये अपनी लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा C को, तो ये इसकी इसको लोन पेयर डोनेट करेगा, तो इट फॉर्म्स R C OH2 पॉजिटिव C डबल बॉन्ड एन आर डैश। अब देखो इसके अंदर कोई खास बात दिख रही है तुम्हारे को, इसमें खास बात यह है कि कैटलिस्ट बिफोर द रिएक्शन आफ्टर द रिएक्शन रिमेन्स सेम,
तो यहां से माइनस एच प्लस हो जाएगा। अब एच प्लस के माइनस होते ही देखो अपने पास बन जाएगा आर सी। अब इसके अंदर पहचानो बेटा क्या क्या खास बात है इसमें। ओक की लोन पेयर उसके कंजुगेशन में। शाबाश, ये ओक की जो लोन पेयर है ये डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में, तो ये एक तरीके से इसको कौन सी फॉर्म बोलेंगे हम? इनोल। बेटा इनोल के जैसे हो गई ना, इन और देखो ओल। यस सर। तो यहाँ पे इसके अंदर टोटमराइजेशन हो जाएगा और इसके अंदर टोटमराइजेशन होकर ये बन जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ NHRDS, yes or no? Yes, 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 sir. Yes, sir. बोलो इसका mechanism समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. अब देखो example बताता हूँ मैं इसका। क्या example था वो? अपने Beckmann rearrangement करवाया था ketone के अंदर, उसमें हमने ये बनाया था देखो caprolactam। ये reaction थी बेटा इसके अंदर सीधी direct cyclohexanone था। साइक्लोहेक्सानोन की हाइड्रोक्सिलामीन के साथ रिएक्शन कराएंगे NH2OH, तो यहाँ से माइनस एच टू हो जाएगा ये। तो इससे माइनस एच टू होगा तो वी विल गेट C डबल बॉन्ड NOH। ये ऑक्साइन बनेगी बेटा। अब इस ऑक्साइन के अंदर एसिड की प्रेजेंस में देखो रीअरेंजमेंट हो रहा था। इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड इट रीअरेंजेस, रीअरेंजमेंट अकर्स एंड इट फॉर्म्स कैप्रोलेक्टम। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, देखो सिक्स कार्बन रखने बेटा इसमें टोटल। ये बन जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये नाइलोन सिक्स का, इसको बोलते हैं हम कैप्रोलेक्टम। दिस इज अ पॉलीमर ऑफ नाइलोन सिक्स, मोनोमर, सॉरी मोनोमर ऑफ पॉलीमर नाइलोन सिक्स। कैप्रोलेक्टम इज अ मोनोमर ऑफ नाइलोन, नाइलोन सिक्स। नाइलोन का मतलब होता है NY मतलब न्यूयॉर्क एंड LON मतलब लंदन। ये नाइलोन फाइबर्स न्यूयॉर्क और लंदन में बने थे इसलिए इसको नाइलोन सिक्स बोला जाता है। ठीक है, अब देखो इसका रीअरेंजमेंट किस तरीके से होगा बेटा। सबसे पहले वही रिएक्शन है, सबसे पहले बताओ इसके मैकेनिज्म में प्रोटोनेशन होगा। यस सर। देखो ये प्रोटोनेशन में ये अपने पास बन गया नाइलोन, ये डबल बॉन्ड NOH, ये ऑक्साइम है बेटा। तो इस ऑक्साइम के अंदर, ऑक्साइम के अंदर जब H प्लस जाएगा तो ये H प्लस इसको डोनेट करेगा एंड इट फॉर्म्स डबल बॉन्ड N OH2 पॉजिटिव। फिर वो ही पॉजिटिव ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मेक्स इट अनस्टेबल। अब यहाँ से देखो इसके अंदर जो रीअरेंजमेंट होगा, देखो ये अनस्टेबल है तो यहाँ से रिंग में क्लीवेज होगा बेटा इसके अंदर। इसमें रिंग में क्लीवेज किस तरीके से होगा? ये जो डबल बॉन्ड है दोनों साइड में सिमेट्रिकल है, यहाँ पे हेटरोलाइटिक क्लीवेज होगी। और देखो उसके अंदर जब हेटरोलाइटिक क्लीवेज हुई थी तो आर ग्रुप एन के ऊपर जा रहा था ना बेटा। yes, तो इसको एन के पास भेज दो। देखो इसको एन के पास भेजोगे तो ये एन का था एन डबल बॉन्ड एन ओ एच टू, यहाँ से माइनस वाटर की फॉर्म में बाहर हो जाएगा। तो N के ऊपर अपने पास क्या चला गया इसके अंदर? N के ऊपर ये जो बॉन्ड गया ये गया यहाँ से, इसको वन नंबर मार्क कर लो, वन टू थ्री फोर फाइव, और ये डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है जिससे वो सिक्स, तो ये डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है ये तो सिक्स नंबर हो गया। ठीक है बेटा। yes. तो ये टोटल सात मेंबर बन गए, नहीं बना इसमें? yes, sir. बेटा अब N भी रिंग का हिस्सा बन गया ना। Yes, देखो ये डबल बॉन्ड, ये तो छह नंबर कार्बन एन से जुड़ा हुआ है और ये जो एक नंबर था कार्बन, एक नंबर कार्बन किस से जुड़ गया? ये एन से जुड़ गया ना यहाँ से। भाई ये वाटर की फॉर्म में यहाँ से डिपार्ट होगा तो एन के ऊपर कौन सा चार्ज छोड़ के जाएगा? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव से यहाँ से हेटरोलाइटिक क्लीवेज होने के बाद ये नेगेटिव उसके ऊपर जाके जुड़ गया।
तो इस कार्बन के ऊपर आ गया पॉजिटिव। अब इसके अंदर वाटर की क्या हो जाएगी, पॉजिटिव सेंटर के ऊपर वाटर की न्यूक्लियोफिलिक अटैक। तो वाटर की न्यूक्लियोफिलिक अटैक ओके, वो आगे कर दोगे इसके अंदर वैसे ही हो जाएगा फिर। यस सर। और फाइनली क्या बन जाएगा उसके अंदर, रीअरेंजमेंट ओके, फिर कैप्रोलेक्टम। समझ गया बेटा? यस सर। इस तरीके से होगा बैकमान रीअरेंजमेंट। बोलो कर दोगे या नहीं? थर्ड इज रिएक्शन विद अमोनिया। देखो बेटा अमोनिया के साथ क्या होता है, जैसे ये CH3 सी डबल बॉन्ड LDIHD कोई भी जनरल, तो LD मीन्स बनाएंगी अमोनिया के साथ रिएक्शन करके, कंडेंसेशन रिएक्शन हो जाएगी H2N। माइनस H2O एंड इट फॉर्म्स CH3 CH डबल बॉन्ड NH। इसको बोलेंगे हम एल्डिमाइन। लेकिन इसमें मैंने अपन ने डिस्कस किया है कि फॉर्मेल्डिहाइड, जैसे ये 6 मोल्स ऑफ HCHO ले लेंगे फॉर्मेल्डिहाइड के प्लस 4 मोल्स अमोनिया के, ये बैलेंस्ड वे में याद रखनी है आपको। फिर देखो क्या बनेगा उसके अंदर, हेक्सामिथाइलिन डायम टेट्रामीन। हेक्सामिथाइलिन, मिथाइलिन इज CH2 होल 6 और टेट्रामीन इज N4। इसको बोलते हैं हम यूरोट्रोपिन। तो ये यूरोट्रोपिन की खास बात भी थी, एक दिस इज यूज्ड एज अ एंटीसेप्टिक इन यूरिनरी इन्फेक्शंस। दिस यूरोट्रोपिन इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक इन यूरिनरी इन्फेक्शन। उसके बाद दिस इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ RDX, एक्सप्लोजिव्स बनाने के लिए भी काम में लिया जाता है बेटा। RDX मतलब रिसर्च डेवलपमेंट एंड एक्सप्लोजिव्स। तो ये जो यूरोट्रोपिन है इसका स्ट्रक्चर देखो, इसका स्ट्रक्चर पूछा जाता है कि किस तरीके से, ऐसे पूछे जा सकते हैं इसमें बॉन्ड्स एग्जिस्ट करते हैं। तो एक N दो N के बीच में एक CH2 ग्रुप आता है इसमें। देखो इसको कोशिश करनी पड़ेगी बनाने की आपको। दिस इज देखो बेटा, ये जैसे CH2 N CH2 CH2। अब देखो ये N जो बीच में हो गया इसमें, अब ये यहां से CH2 N, देखो बेटा बीच वाले CH2 में तो बीच वाले N से 3 CH2 ग्रुप जुड़ गए। अब इसमें भी देखो ये जो टर्मिनल N है यहाँ पे N4 हो गया, तो ये एक CH2 ग्रुप आ जाएगा इसमें यहाँ पे CH2 और ये CH2, ये बीच में बैंड आ गया इसमें। इसको दोबारा से बनाते हैं एक बार। देखो ये N CH2 CH2, एक N से 3 CH2 ग्रुप लग गए। अब यहाँ पे N लगा दो, ये भी N, N N CH2 N CH2 N। अब ये CH2 इन दोनों के बीच में कर दो और ये यहाँ पे एक CH2,
ये बैंड से अलग कार्बन मत समझ लेना बेटा, ये सेम एक ही लाइन है ये, यो ठीक है। ठीक है बेटा, देखो ये थोड़ा सा ऐसे आएगा, ये यो देखो सी एच टू, एक दो तीन चार पाँच छः सी एच टू हो गए ना बेटा इसमें, और चार एन, समझ गए? कोई डाउट है बेटा इसमें किसी को? नो सर। नो सर। ये इसका स्ट्रक्चर है यूरोट्रोपिन का। अब देखो ये हाउ इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ RDX, इसके HNO3 के साथ रिएक्शन करा दो यूरोट्रोपिन की, यूरोट्रोपिन ऑन रिएक्शन विद HNO3। तो ये जो इसमें साइक्लोनाइट बनता है, साइक्लोनाइट और RDX, CH2 N N CH2, और तीनों N से NO2 ग्रुप लगा दो, नाइट्रेशन हो जाएगा उसके अंदर, NO2 NO2 NO2, इसको बोलते हैं हम RDX। ये सेकंड रिएक्शन, रिएक्शन विद अमोनिया, नेक्स्ट थर्ड, दिस इज रिएक्शन नंबर थर्ड, फोर्थ, बेंजोइन कंडेंसेशन। देखो बेटा बेंजोइन कंडेंसेशन, बेंजोइन कंडेंसेशन है C6H5CHO, ये बेंजाल्डिहाइड है, इसके रिएक्शन कराएंगे हम एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ, तो एल्कोहलिक KCN की प्रेजेंस में ये बिल्कुल इसको सिंपल तरीके से ऐसे बता सकते हैं, टू मोल्स ऑफ इसके रिएक्ट करेंगे और इट फॉर्म्स C6H5, इसको बोलते हैं बेंजोइन। अब देखो बेटा इसको ऐसे शो कर सकते हैं हम, ये बेंजाल्डिहाइड है, सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये दूसरी बेंजाल्डिहाइड है, सी डबल बॉन्ड ओ, बिल्कुल सिंपल तरीके से देखो, इसका ये डबल बॉन्ड जब इधर मूव करेगा, इस पे नेगेटिव जाएगा, सी पे पॉजिटिव, तो यहाँ से ये एच जो है एल्कोहलिक KCN इस एच को बाहर निकलवाएगा, तो ये एच को बाहर निकलवाएगा, यहाँ तो ओ एच लग जाएगा, और ये एच प्लस जब बाहर निकलेगा तो सी के ऊपर माइनस, ये माइनस इस पॉजिटिव के ऊपर अटैक कर देगा, तो इट फॉर्म्स, ये बन जाएगा इसके अंदर, इस तरीके से रीअरेंजमेंट हो गया, अरेंजमेंट हो गया इसमें, एंड बेंजोइन विल बी फॉर्म्ड। फिफ्थ रिएक्शन इज रिएक्शन विद HNO3, और HNO3 से पहले क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन कर लेते हैं, क्लोरीटोन रिएक्शन बनता है ना जिसमें, यस, रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म विद एसीटोन, रिएक्शन विद CHCl3, इसमें हम ये क्लोरो एसीटोन लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड ओ CH3 प्लस CHCl3, तो ये बन जाता है अपने पास CH3 CCH3 OH CCl3, इसको वी कॉल इट एज क्लोरीटोन, एंड दिस क्लोरीटोन इज यूज्ड एज अ हिप्नोटिक, हिप्नोटिक मीन्स दिस इज स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग, ये स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग है बेटा, नींद ला देता है ये, ठीक है।
मान लो मिक्स बेंजोइन कंडेंसेशन कराना है जैसे, देखो सिंपल में तो बहुत आसान है, एक के ऊपर एक को OH में जोड़ना है और एक डबल बॉन्ड O में रह जाएगा, यस और नो? यस सर। देखो मिक्स बेंजोइन कंडेंसेशन अभी अपन ने ऊपर लिया था C6H5CHO, ये लिया था ना बेटा। अब मान लो एक तो C6H5CHO और एक अपने पास ये हो, CHO CH3। देखो इसकी बेंजोइन कंडेंसेशन करानी है बेटा एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, एल्कोहलिक KCN पोटेशियम साइनाइड की प्रेजेंस में। अब देखो ऊपर वाले में तो बहुत इजी था, दोनों में एक का कर दिया और एक में उसको ऐसे छोड़ दिया। अब इसमें बताओ कि क्या इसमें दो प्रोडक्ट बनेंगे नहीं बनेंगे? यस सर। तो टू प्रोडक्ट्स में कौन सा मेजर होगा और कौन सा माइनर होगा, दैट यू हैव टू प्रेडिक्ट। बोलो, ये मिक्स प्रोडक्ट्स में दो प्रोडक्ट्स, देखो ये दोनों सिंपल तरीके से ये बना दिए तुमने ऊपर वाले प्रोसीजर के अकॉर्डिंग। अब उसमें ये पहचानना है तुम्हारे को कि कौन सा तो मेजर होगा कौन सा माइनर होगा। देखो C6H5CHOH, एक तो हम ये बना देते हैं C6H5CHOH, C डबल बॉन्ड O, और ये CH3, दिस इज प्रोडक्ट ए। और दूसरा जो प्रोडक्ट बनेगा अपने पास C6H5, C डबल बॉन्ड O, CHOH। देखो दोनों में डिफरेंस है ना बेटा? यस सर। बोलो। यस सर। तो बताओ इसमें अब ए और बी में से कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा और कौन सा माइनर प्रोडक्ट होगा? बी मेजर। सर ए होगा। ए कैसा होगा? सर मेजर होगा। ए प्रोडक्ट मेजर। यस सर। सोच लो बेटा, सोच के बोलो। रक्षिता यस सर। कौन सा प्रोडक्ट बी मेजर होगा? देखो इसमें बी प्रोडक्ट मेजर होगा बेटा, बी विल बी मेजर एंड ए विल बी माइनर। देखो ये इसको इसलिए ऊपर वाले को स्क्रीन पे छोड़ा हुआ है मैंने, यहां से जब H प्लस बाहर निकल रहा है बेटा तो ये H प्लस जा रहा है O नेगेटिव के ऊपर, तो इस ये तो दोनों के अंदर कंडीशन को छोड़ दो अभी। अब जो C पॉजिटिव, या तो C पॉजिटिव ये बने या C पॉजिटिव ये बने, दोनों में तो देखो इसके अंदर ये जो CH3 ग्रुप है ये इसके ऊपर इसके प्लस का इफेक्ट लगाएगा, तो कार्बोनिल कार्बन के ऊपर पॉजिटिव के कंटेंट को कम करेगा, तो कम करेगा तो हम क्या कह सकते हैं कि दिस ग्रुप इज लेस रिएक्टिव। ये लेस रिएक्टिव है, तो ये लेस रिएक्टिव है तो इसका मतलब इसकी ऊपर जो अटैक है वो पॉसिबल नहीं होगी। तो इस जो देखो हो तो दोनों ही रही हैं, लेकिन मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा फिर उसके अंदर? तो इसके ऊपर ये डबल बॉन्ड हो इधर मूव करेगा, तो O पे नेगेटिव, C पे पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव के ऊपर यहाँ से जो H प्लस बाहर निकलेगा, बट यहाँ से H प्लस जो बाहर निकलेगा ये H प्लस तो चला जाएगा इसके ऊपर, और ये इसके ऊपर C के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा फिर? नेगेटिव। वो नेगेटिव की इसके ऊपर अटैक हो जाएगी, तो देखो ये C6H5 वाला OH में कन्वर्ट हुआ है, नहीं? Yes, sir. Yes, sir. बोलो। Yes, sir. बोलो बेटा, समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. तो इस तरीके से बताएंगे हम बेंजोइन कंडेंसेशन, मिक्स्ड बेंजोइन कंडेंसेशन को। अब उसके बाद नेक्स्ट विटिग रिएक्शन और पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस, विटिग रिएक्शन और पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।